अलकम आज का हमारा लेसन थर्टी थर्ड लैक्चर है हमारे कोर्स जनरल मैथड्स ऑफ टीचिंग का हम इंटिग्रेशन पर बात कर चुके हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात की गाइडेड इंक्वायरी की बात की हमने अनगाइड इंक्वायरी की बात की और हमने इसके अलावा में जो बहुत ज़्यादा फोकस किया वो इंडक्टिव अप्रोच के ऊपर किया आज का जो हमारा लेसन है इट इज गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन टू थिंग्स वन इज डिडक्टिव मैथड एंड द अदर वन इज साइंटिफिक मैथड तो एक नज़र डालते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर ये दो चीजें तो होंगी लेकिन इसके अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे सो वी विल स्टार्ट विद डिडक्टिव मैथड वी विल मूव टू साइंटिफिक मैथड एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैथड एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट वेरिएबल्स इंडक्टिव मैथड क्या है हम इस पर बात कर चुके हैं कि इंडक्टिव मैथड के अंदर हम मूव करते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ डिडक्टिव मैथड जो है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपने मैथमेटिक्स के थ्यूरम्स को जो नवी दसवीं जमात के अंदर होते थे उसमें क्या था स्टार्ट होता था कि प्रूव या साबित करें और आगे पूरा थ्यूरम लिखा होता था पाइथागोरस थ्यूरम की बात करें तो मे बी आपने किया हो कि प्रूव दैट सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये भी एक्चुअली जब आप प्रूव की बात करते हैं तो यू डिड्यूस ये डिडक्शन है डिडक्शन को मजीद समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं कि डिडक्शन में क्या है डिडक्शन में है थ्योरी लॉ दे दिया जाता है या कोई थ्योरी दे दी जाती है देन यू ड्राइव असिस उस थ्योरी को देखें और एक टेंटेटिव एजुकेटेड गेस बनाए दैट इज कॉल्ड हाइपोथिस हाइपोथिस बनाने के बाद यू

इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टीचर बच्चों को कहता है कि ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। दिस इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ जनरलाइजेशन। इट इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब कि इट इट ऑफ टू और मोर देन टू कॉन्सेप्ट्स। तो आपने ये थ्योरी बच्चों को दे दी ये जर्रलाइजेशन दे दी दैट ऑल एसेड्स टर्न ब्लू लिटमस रेट आप क्या कहते हैं बच्चों को कहते हैं कि आप इसको हाइपोथेसाइज़ करें एक एजुकेटेड गैस बनाएं। एजुकेटेड गैस ये हो सकता है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एल्कलीस डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड और न्यूट्रल थिंग्स आल्सो डू नॉट अफेक्ट ब्लू लिटमस आपने ये एक हाइपोथिस बना लिया

उसको उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आप कन्फर्म कर रहे होते हैं इसको देखते हैं कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिडक्शन इंडक्शन स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स सी सर्टन थिंग्स। मे बी अगर हम वही वाली एग्जाम्पल लें अल्कलाइन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस की तो बच्चे को आप कहें ना बताएं कि थ्यूरी क्या है आप सिर्फ उसको कहें कि ये देखें कि ये ब्लू लिटमस है इस ब्लू लिटमस को मैं तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर ऐड कर रही हूँ या आप बच्चों को दे दें तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस दें और बच्चों से कहें कि आप इनको डिप करें बच्चों ने तीनों बच्चों ने उनको ब्लू लिटमस को तीनों डिफरेंट सॉल्यूशंस में ऐड किया और उसके बाद उनसे कहें कि आप इसमें पैटर्न देखें पैटर्न क्या है कि एक चीज के अंदर तो चेंज आ रहा है ब्लू लिटमस इज टर्निंग रेड बाकी दो में नहीं आ रहा बच्चे जो हैं वो इससे कोई हाइपोथेसिस बनाएंगे हाइपोथेसिस में बी वो ये कहें कि सोल्यूशन ए जो है इट हैज समथिंग विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड सोल्यूशन बी एंड सी आर नॉट अफेक्टिंग आर नॉट अफेक्टिंग द लिटमस पेपर अब आप क्या कह सकते हैं बच्चों से कहें कि आप थोड़े कुछ और सोल्यूशंस लें गिव दम एसिडिक सोलूशंस सम मोर एसिडिक सोल्यूशंस और उनको कहें कि आप ये डिफरेंट सोल्यूशंस हैं मे बी यू गिव दम विनेगर और लेमन सिंपल चीजें जब वो उसमें ब्लू लिटमस डालेंगे रेड हो जाएगा स्टूडेंट्स विल मेक अ थ्योरी के ऑल एसिडिक सोल्यूशंस टर्न ब्लू लिटमस रेड सो हम कह सकते हैं कि इंडक्शन के अंदर यू स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन एंड एंड विद अ थ्योरी दूसरी तरफ डिडक्शन के अंदर यू स्टार्ट विद अ थ्योरी एंड यू एंड अप विद कंफर्मेशन ऑफ दैट थ्योरी सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड डिडक्शन वेदर इट इज साइंस टीचिंग और मैथमेटिक्स टीचिंग और एनी अदर टीचिंग बोथ दीज मैथड्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज एंड बोथ हैव देयर ओन एडवांटेजेस अलबत्ता हम ये जरूर कह सकते हैं कि इंडक्शन के अंदर बच्चों की एंगेजमेंट ज्यादा होगी क्योंकि जब किसी चीज़ का पता होता है तो उसको प्रूव करने में शायद के वो मज़ा नहीं आता जो कि किसी चीज़ का पता ना हो और आप उस चीज़ को जानने की कोशिश करें यू एंड अप विथ थ्योराइजिंग थिंग्स तो वो जो चीज़ है उसमें इंजॉयमेंट एंगेजमेंट ज़्यादा है अलबत् दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह के ऊपर अहमियत रखती हैं और इस्तेमाल होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर डिडक्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है चाहे हम थ्योरम्स की बात करें या ज्योमेट्री की और कोई चीज ले लें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं मैथमेटिक्स के अंदर जिसमें डिडक्शन जो है उसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते लेट्स टॉक अबाउट द साइंटिफिक मैथड साइंटिफिक मैथड क्या है इसके अंदर दो वर्ड्स है मैथड जिस तरह से आपको पता है तरीका कार साइंस का तरीका कार क्या है डो रिमेंबर साइंस इज आ इज एन एटीट्यूड बेसिकली इसका जो तरीकाकार है वो आप सिर्फ इसको स्किल के लेवल के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते कि ये स्टेप बाई स्टेप है फाइन किस साइंटिफिक मैथड इट इज अ स्टेप बाई स्टेप मैथड विच गाइड्स पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंक्वायरी लेकिन साइंटिफिक मैथड एक एटीच्यूड का नाम भी है कि आप किसी भी चीज को देखें तो उसको तहकीक करें रिसर्च करें हम अक्सर कहते हैं कि वी शुड नॉट बी जजमेंटल हमें तहकीक करनी चाहिए हमें रिसर्च करनी चाहिए उसके पीछे रीजन क्या होती है कि हम अगर हमारा एटीट्यूड जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड है एंड वी बिलीव इन साइंटिफिक मेथड देन वी टॉक लाइक दिस अगर हमारा एटीट्यूड जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है एंड वी डू नॉट बिलीव इन साइंटिफिक मेथड तो यकीनन हम बहुत ज्यादा जजमेंटल होंगे ये तो थी हमारी आम जिंदगी की बात अब इसको एकेडमिक्स की साइड uh, के ऊपर देखते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन साइंटिफिक मेथड सो साइंटिफिक मेथड इज अ टूल दैट हेल्प साइंटिस्ट एंड द रेस्ट ऑफ अस टू सॉल्व प्रॉब्लम आंसर इन अ लॉजिकल फॉर्मेट इसके अंदर दो चीजें हैं जो कि की हैं कि इट हेल्प्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स And the second thing is, it helps us to determine answers to questions in a logical format. So, two things are important, logical thinking is involved in scientific method. And the second is that it helps us to solve problems. It is a step by step method, which helps us to work through different problems. साइंटिफिक मेथड के ऊपर हमने कहा कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और साथ साथ में हम उन सवाल जवाब दे सकते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है लेकिन उन सवालों का जवाब हम दलाइल के साथ लॉजिक के साथ देंगे इस पे मजीद बातचीत करने से पहले अभी जो मैंने कहा कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इस पे मजीद बातचीत करने से पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइंटिफिक मेथड की हिस्ट्री क्या है इसका नाम साइंटिफिक मेथड क्यों है और किसने इसको इन्वेंट किया था आपका क्या ख्याल है कि वॉज साइंटिफिक मेथड इन्वेंटेड बाय एक्चुअली इसको किसी ने इन्वेंट नहीं किया था बल्कि इसको इसके ऊपर काम शुरू हुआ अरिस्टोटल से लेकर बहुत बात तक तक काम होता रहा और को कहा गया कि ही फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड अरिस्टोटल ने लॉजिक की बात की और उसको पाइनियर्स में कहा जाता है कि जिन्होंने साइंटिफिक मेथड की बुनियाद रखी उसमें क्या था डिडक्शन को उसने यूज किया उसको प्रमोट किया एग्जैक्टली exactly, हम नहीं कह सकते कि इसमें uh, um, कौन एक बंदा था जिसने साइंटिफिक मेथड को इन्वेंट किया जैसा कि मैंने अभी कहा कि इट वॉज नॉट इन्वेंटेड इट वॉज बेसिकली डिवेलप्ड इट वॉज इवॉल्व्ड और इसमें ग्रीक्स भी इन्वॉल्व थे इसमें मुस्लिम साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे इजिप्शियंस भी इन्वॉल्व थे लेकिन Uh, जो इसकी सही मानों के अंदर अगर हम कहें कि जिसने इसको सही फॉर्म के अंदर प्रोमोट किया वाज गैलीलियो इसीलिए उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है सो वी कैन आवर मॉडर्न कल्चर गो इज जनरली क्रेडिटेड विद बीइंग द फादर ऑफ द साइंटिफिक मेथड। द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका सेज इवन वाइल बेकन वॉज फिलोसोफाइजिंग द ट्रू मैथड वॉज बीग प्रैक्टिस हु विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन हाई पॉथिज मैथमेटिकल डिडक्शन एंड कंफर्मेट फाउंडेड दायना का रोल है इसके अंदर लेकिन गलीलियों ने एक्चुअली प्रोमोट किया ऑब्जर्वेशन को हाई पॉथिसिस को एक्सपेरिमेंटेशन को और उसके बाद ड्राइंग इन्फरेजिंग इन्फरे तो ये जो चीज़ है ये हमें गलीलियों के हाँ मिलती है सो वी कैन से इसके अंदर साइंटिफिक मेथड की जो एवोल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा इसको फ़रोक दिया गलीलियों ने

यकीन करना शुरू कर दिया कि अगर साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नहीं हो सकते अच्छा अब साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है अभी तक हमने बात की कि इसमें ऑब्जर्वेशन भी होती है इसके अंदर आप एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन से पहले हाइपोथेसिस भी डेवलप करते हैं कंक्लूजनस भी ड्रा करते हैं यू कम्युनिकेट रिजल्ट्स, ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं आपके ख्याल में सबसे अहम बात जो कि अंडरपिन कर रही है इन चीजों को वो क्या है साइंटिफिक मेथड की खूबसूरती ये है कि एनी थ्योरी कैन बी फॉल्सीफाइड एनी थ्योरी कैन बी फॉल्सीफाइड कि कोई चीज भी जिसको हम सच कह रहे हैं वो स्टैटिक सच नहीं है हम आमतौर पे कहते हैं सोशल साइंसिस के अंदर कि ये मैथ या साइंस नहीं है इसके अंदर आप तब्दीली ला सकते हैं डो रिमेम्बर कि मैथमेटिक्स भी इवॉल्व हो रहा है और साइंटिफिक मेथड की तो बुनियाद ही इस चीज के ऊपर है कि आपने कुछ भी बनाया है यू कैन फॉल्सिफाई दैट आप अगर किसी चीज को फॉल्सिफाई नहीं करते तो डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है Uh, हमने कुछ पहले लेक्चर्स में भी बात की थी कि अगर हम अगर जब पहली गाड़ी बनी और उसको ये कहा जाता हो कि ये परफेक्ट मॉडल है तो आज भी हम शायद 20 या 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पे चलने वाली गाड़ी में सफर कर रहे होते आगे से आगे इतनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं उसकी रीजन क्या है कि जो भी थ्योरी बनती है इट कैन बी फॉल्सीफाइड अगर आप उससे उसको जरूरी जरूरी नहीं होता कि आपने किसी चीज को अप्रूव करना है यू कैन डिस अप्रूव थिंग्स और इसके अंदर फॉल्सिफिकेशन का प्रोसेस अहम है आई होप कि अब आप कभी ये नहीं कहेंगे कि साइंस और ये कुछ साइंस या मैथ्स का नॉलेज नहीं है जो कि चेंज ना हो सके साइंटिफिक मेथड की खूबसूरती ही ये है कि इसके अंदर बहुत तेजी से ये एक एक्चुअली तब्दीली का हामिल है सैंटिफिक मैथड इसके अंदर तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है बिकॉज इट कैन फॉल्सिफाई द एग्जिस्टिंग थ्यूरीज तो जो मैंने पहले बात की कि साइंटिफिक मैथड जो है इट एज एन एटीट्यूड ऑल्सो उसकी वजह यह है कि अगर आपका एटीट्यूड यह होगा कि कोई भी चीज़ जो है इट कैन बी चैलेंजड इट कैन भी क्वेश्चन और उससे मुतल आप दलाल ढूंढ कर लाएंगे इसका मतलब यह है कि यू आर अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन साइंटिफिक मैथड कैन बी यूज इन सोशल साइंसेज ऑल्सो अगर हम बात करें साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी इज अ साइंस। उसकी वजह क्या है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इट मेक्स यूज ऑफ साइंटिफिक मैथड इन इट्स रिसर्च साइकोलॉजी की जितनी रिसर्चेज हैं बल्कि और सोशल साइंसेज की भी जो रिसर्च हैं उनकी रूट्स जो हैं वो साइंटिफिक मैथड के ऊपर हैं इसी वजह से उनकी रिसर्चेस जो हैं उनको ऑथेंटिक रिसर्च कहा जाता है अगर हम चलें हम एक आम सी मिसाल लेते हैं कि जो हमारे आम तौर पे लोगों में कहा जाता है कि ये चीज़ जो है हमारे बाप दादा से चली आ रही है इट इज़ ट्रेडिशनल एंड इट इज़ राइट इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको फॉलसीफाई करने के हक में नहीं हैं इसका मतलब यह है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब यह है कि वी कैन चैलेंज एनी हमारे इर्द गिर्द की जो भी प्रैक्टिस हैं वी कैन चैलेंज देम मे बी वी एंड अप विद अपर्मेशन ऑफ दैट प्रैक्टिस इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा जो चैलेंज किया है तो आपने उसको डिसअप्रूव ही करना है मे बी यू चैलेंज समथिंग और उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है साइंटिफिकली प्रूवन और मे बी कि आप कहें कि ये आ, दुरुस्त नहीं है इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि इट इज नॉट करेक्ट तो असल चीज ये है कि यू शुड बी ओपन आपको डरना नहीं चाहिए चीजों पे सवाल उठाने से आम तौर के ऊपर हम अपनी ट्रेडिशंस के ऊपर सवाल नहीं उठाते हम अथॉरिटी के ऊपर सवाल नहीं उठाते अगर हम देखें तो टीचर्स के हवाले से हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं हमारी किसी प्रैक्टिस को क्वेश्चन करें वी एक्सपेक्ट देम टू गिव अस ऑल द टाइम रिस्पेक्ट और हमारा ख्याल ये होता है कि बच्चे जो हैं वो ओबीडियंट रहें अगर कोई बच्चा ओबीडियंस शो नहीं करता बट दैट चाइल्ड इज रिस्पेक्टफुल तो हम उसको कहते हैं कि दिस चाइल्ड इज डिसरिस्पेक्टफुल उसकी रीजन क्या है अगेन वी डू नॉट हैव Ho सकता है कि आपको लग रहा एटीट्यूड का इन चीजों के साथ क्या बट एट दॉट बी इम्प्लीमेंटेड एनी वे और अनलेस यू डू नॉट है साइंटिफिक एटीट्यूड तो इसलिए मैंने चाह की इन चीजों को हम डेली लाइफ के साथ भी रिलेट करके देखें प परसन हुज साइंटिफिक एटीट्यूड हैज अ वेरी ओपन माइंड ही और शी कैन चैलेंज स्टीरियोटाइप टेबूस एंड अदर थिंगस आप देखते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर स्टेप बाई स्टेप क्या क्या कुछ होता है एक मिसाल से चलते हैं कि मिसाल क्या है फॉर एग्जाम्पल आप रात को पढ़ाई कर रहे हैं एंड वट है आप लाइट चली गई है देर इज पावर कट और आपने अपनी इमरजेंसी लाइट को ऑन किया बट इट इज नॉट वर्किंग यू आर नॉट प्रॉब्लम इज दैट योर इमरजेंसी लाइट इज नॉट वर्किंग ठीक आपने क्या किया आपने ये सोचा कि आप एक दफा पहले भी ऐसा हुआ था कि जब मेरी लाइट जो थी इसने काम नहीं किया था तो मैंने इसकी बैटरी चेक की और मैंने देखा कि बैटरी जो थी ये पुरानी हो गई है तो इस वजह से जब मैंने बैटरी बदली तो एमरजेंसी लाइट स्टार्टेड वर्किंग आपका प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि बैटरीज आर वॉर्न आउट दैट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम क्या था कि आपकी बैट, आपकी जो लाइट थी उसने काम नहीं किया दैट इज नॉट रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम क्या है जो आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके देखा तो आपने सोचा कि क्या ये शायद के बैटरी जो है ये काम नहीं कर रही ये पुरानी हो गई है अब आपने ये देखना है कि बैटरी क्या वाकई पुरानी हो गई है उसकी वजह से लाइट काम नहीं कर रही या कोई और रीजन है आपने क्या किया आपने एक हाइपोथेसिस बनाया कि मेरा ख्याल है कि ये बैटरी ही खराब हो गई है और इसको अगर मैं चेंज कर लू इट वुड स्टार्ट वर्किंग आप उठे आपने अपने घर में तलाश की बैटरी सेल आपने जाके उस एमरजेंसी लाइट में डाले इट स्टार्टेड वर्किंग आपने वो एक्सपेरिमेंट किया एक्चुअली आपने जब उस सेल्स को उसके अंदर लाइट के अंदर डाला यू डिड एन एक्सपेरिमेंट एंड यू सॉ यू ऑब्जर्व एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट द लाइट स्टार्टड वर्किंग इसको हम क्या कहेंगे दिस इज साइंटिफिक मैथड अ वेरी वेरी सिंपल साइंट एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मैथड आपका कंक्लूजन ये निकला कि जितनी मर्जी अच्छी लाइट हो इमरजेंसी लाइट का इक्विपमेंट बहुत अच्छा भी है इट विल नॉट वर्क इफ द बैटरी इज वॉर्न आउट तो आपका जो हाइपोथिसिस था वो एक्सेप्ट हो गया आपको पता चल गया कि यह वाकई ही में दुरुस्त बात है मे बी के रिजेक्ट हो जाता तो फिर आप कुछ और सोचते आप सोचते मे बी कि जहां से इसकी सप्लाई हो रही है तार जहां पे करंट सप्लाई कर रही है मे बी उसका कनेक्शन ढीला हुआ हुआ है देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एन अदर हाइपोथिस मे बी उसके वो अप्रूव हो जाए अगर डिसअप्रूव हो जाता है तो अगेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एन अदर हाईपोथिस जो बड़ी दिलचस्प बात है वो ये कि एक्चुअली दिस साइंटिफिक मेथड इज वेरी ऑफन इम्प्लीमेंटेड बाय यंग चिल्ड्रन दे प्ले विद देयर टॉयज, दे कम अक्रॉस सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड देन दे अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसाइज एंड दे ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स लेकिन होता क्या है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं तो शायद के वो शाये हो जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहता दे स्टॉप यूजिंग दिस मैथड जो अभी मैंने एग्जाम्पल दी ये तीन साल का बच्चा भी ये करेगा उसके ट्वाइस अगर नहीं चल रहे जो बैटरी से चलते हैं तो वो सबसे पहले ये कहेगा अम्मा को या अपने वालिद को कि मुझे इसके सेल ला कर दो तो चाइल्ड इज अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड सो वी कैन से दैट साइंटिफिक मेथड इज नॉट ओनली अप्लाइड इन टेक्नोलॉजी or in big laboratories it is applied in everyday situation and we teachers need to help our students understand this method and use it in their uh, academic lives as well as in their real lives abhi hum isko a graphic form advanced organizer ki form mein dekhte hain information processing theory says that our brain can hold फाइव टू नाइन पीसीस ऑफ आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन लेकिन अगर हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करें तो इट टेक्स मच लेसर स्पेस तो इसीलिए मैंने इसको पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर रखा है सो लेट्स हाउ डज साइंटिफिक मेथड लुक लाइक इट स्टार्ट विद आस्किंग अ क्वेश्चन देन डूइंग बैकग्राउंड रिसर्च देन कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथिस देन testing the hypothesis with an experiment analyzing results drawing conclusions if hypothesis is true if it is accepted then you report results and you communicate those results to your peers and others but if hypothesis is not accepted it proves false then you try again you construct a new hypothesis again test that hypothesis with an experiment analyze results draw conclusions and if hypothesis is true you report results and communicate your results but if it proves false again you construct a new hypothesis and the cycle continues edison ne minimum 1800 efforts ki thi ek bulb ko banane उससे किसी ने पूछा कि तुम थकते क्यों नहीं हो तुम इसको वाई डोंट यू गिव अप डूइंग दिस एंड ही कि एवरी टाइम आई लर्न दैट दिस मैथड विल नॉट वर्क टू मेक अ बल्ब उसका क्या था ही रिजेक्टेड सो मैनी हाइपोथेसिस और एंड के ऊपर जो उसका एक्सेप्ट हुआ उसको उसने रिपोर्ट किया और लोगों ने उस पर काम किया और उन्होंने कहा कि हाँ अगर वाकई में इस मेथड से बनाएं तो बल्ब बन जाता है सो द इम्पोर्टेंट थिंग इन साइंटिफिक मेथड इज ओपननेस यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट रिजेक्शन ऑफ योर हाईपोथसेस उसमें कोई uh, परेशानी की बात नहीं है आप उसको देखें कि अगर एक रिजेक्ट हो जाता है तो कम अप विद अ न्यू हाइपोथेसिस सो दिस इज सिंपल वे और स्टेप्स हैं अभी देखते हैं एक मिसाल के साथ, के इसको, साथ, के इसको, साथ को, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं जैसा कि हमने कहा कि क्वेश्चन लेकिन वेन यू आर आस्किन अ क्वेश्चन द इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन नॉट आस्क अ क्वेश्चन यू डू नॉट कैरी आउट अ क्यूरियस ऑब्जर्वेशन क्यूरियस ऑब्जर्वेशन क्या हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारा कुछ देखते हैं क्या हम हर चीज को नोटिस करते हैं हम अपने इर्द गिर्द में आवाजें सुन रहे होते हैं क्या हमें रात को अगर रिफ्लेक्ट करें हम बता सकते हैं कि आज हमने किस किस चीज की आवाज सुनी यकीन नहीं वी हेयर थिंग्स बट वी डू नॉट लिसन टू वी सी थिंग्स बट वी डू नॉट एक्चुअली ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन की बात है तो क्यूरियस ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर आस्किंग और रेजिंग अ क्वेश्चन कि हम पूरे तरीके से मुतजस हो जब हम मुतजस होंगे तो हम चीजों की बारीकियों को भी देखेंगे आर्टिस्ट क्या करते हैं एक चेयर को देखा उन्होंने और वही चेयर जो है ड्रॉ कर ली चिड़िया को देखा गौर से देखते रहेंगे और उसके बाद वही वाली चीज ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे जैसे लोग जो कि आर्टिस्ट नहीं है मेरे जैसे लोग वो क्या करेंगे वो देखेंगे चिड़िया लेकिन ड्रॉ करने की बारी आएगी विल नॉट बी एबल टू ड्रा दैट उसकी रीजन क्या है रीजन सिर्फ ये नहीं है कि ड्राइंग की स्किल्स नहीं है रीजन ये भी है कि ऑब्जर्व भी अच्छा करना नहीं आया तो अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इट स्टार्ट विद आस्किंग अ क्वेश्चन तो उस क्वेश्चनिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन क्यूरियस ऑब्जर्वेशन तो हम कह सकते हैं दैट क्यूरियस ऑब्जर्वेशन इज द स्टार्ट ऑफ द इंडक्टिव प्रोसेस

Observing, and that is part of your curious observation. Instruments and tools can be used to help extend these senses. naked So, you may use a telescope to see the far off objects, you may use microscope to see small objects, you may use a magnifying glass for that purpose. So, observation. Jo hai, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स ऑब्जर्वेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ऑब्जर्वेशन एटीट्यूड और क्यूरियस एटीट्यूड इसमें जो सबसे अहम है वो ये कि यू शुड बिलीव दैट नथिंग इज फैक्ट कि आप चीजों को क्वेश्चन कर सकते हैं आप किसी भी चीज को देख रहे हैं आप ये कहें कि अच्छा इस टेबल का रंग ब्राउन क्यों है लैपटॉप जो है इसके कवर ब्लैक क्यों है अगर ये सिल्वर कलर का होता तो कैसा लगता आपके हाथ में जो मोबाइल फोन्स हैं वो उनके रेक्टेंगुलर बॉडी क्यों है स्क्वायर शेप में क्यों नहीं है अच्छा ये सस्ता कहाँ से मिल सकता है इसको हम Uh, किस तरह से ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर हम ये कहें कि क्यूरियस एटीट्यूड जो है इट इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चन तो ये गलत नहीं होगा सो क्यूरियस एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्यूरियस ऑब्जर्वेशन अगर हमारा एटीट्यूड जो है वो ये है कि हम सिर्फ चीज़ों को देख लेते हैं लेकिन उस पर सवाल नहीं उठाते तो यकीनन वी विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट क्यूरियस ऑब्जर्वेशन आप लोगों के लिए की है दैट यू नीड टू बी इनोवेटर्स सी थिंग्स विद डिफरेंट डायमेंशन विद डिफरेंट एंगल्स एंड ट्राई टू एक्सप्लोर दैम अगला स्टेप देखते हैं साइंटिफिक मेथड के अंदर कि आस्किंग क्वेश्चंस के हवाले से हमने कहा कि ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट इसके बाद क्या चीज इम्पोर्टेंट है और क्यों है उस पर एक नज़र डालते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज दैट यू सी इफ देयर इज अ प्रॉब्लम सब लोगों को प्रॉब्लम नजर नहीं आते जिस तरह के हमने एक दफा पहले लेक्चर में भी बात की थी कि सेब तो बहुत पुराने गिरते होंगे न्यूटन वॉज द वन हु फॉलिंग ऑफ एप्पल एज अ प्रॉब्लम तो हमें अगर हमारी क्यूरियस ऑब्जर्वेशन है एंड वी हैव क्यूरियस एटीट्यूड तो देन वी विल बी एबल टू सी प्रॉब्लम हम ये देखेंगे कि इफ देर इज एनी Problem. This important thing is important to look at problems as challenges and opportunities. An idea, problem, decision, or tentative theory should be presented in the form of a question because it encourages you to keep an open mind and thus seek the truth and not to prove a statement. A question is a tool and a guide for productive thinking about problem solving and investigation of a new subject. अगेन मैं बार बार फोकस जो कर रही हूँ साइंटिफिक मेथड के हवाले से वो ये है कि इसका मकसद कतन ये नहीं होता कि आपने किसी चीज को साबित करना है इसका मकसद ये होता है कि आप सच्चाई को जान सकें और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो यही कि जब आप सच्चाई की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज इज ओपननेस आपका जहन जितना ओपन होगा तो आपको लगेगा कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज एन अपॉर्चुनिटी इफ देर इज अ चैलेंज दैट इज एन अपॉर्चुनिटी और अब अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर लेंगे तो फिर क्या होगा यू विल बी एबल टू अप्लाई साइंटिफिक मैथड टू कम अपल्यूशन अगर अपॉर्चुनिटी के तौर पर नहीं लेंगे डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई साइंटिफिक मैथड और आपकी स्किल्स के अंदर भी कमी आती चली जाएगी ये तो एक बात है बींग टीचर्स लेकिन हम बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक uh, मेथड क्या है और हम देख uh, कोशिश करेंगे ये देखें कि हम इसको अपने क्लासरूम्स के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो हम बात कर रहे थे कि साइंटिफिक मेथड स्टार्ट्स विथ आस्किंग अ क्वेश्चन आस्किंग फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन क्यूरियस ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट और क्यूरियस ऑब्जर्वेशन के नतीजे के अंदर आपने जो भी ऑब्जर्व किया है स्टेट इन अ क्वेश्चन फॉर्म जब आपने उसको क्वेश्चन फॉर्म के अंदर स्टेट किया तो आपके लिए सहूलत है कि आप उसके ऊपर उसको देखें उसका आंसर तलाश करने की कोशिश करें सो so, अभी तक हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के मुतालिक बात की इसके बाद जो आएगा आपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन इसके बाद आप देखेंगे एक्सपर्ट्स से बातें करेंगे आप लिटरेचर पढ़ेंगे किताबें पढ़ेंगे मे बी यू विल गो टू सर्च ऑन इंटरनेट अखबारें पढ़ेंगे रिसर्च जर्नल्स पढ़ेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस किस्म की बात किसी और ने भी की ही की है या नहीं की इसके ऊपर पहले कितना काम हो चुका है सो यू विल ट्राई टू गेट एक्सपर्ट्स ओपिनियन और आप अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर तरीके से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे इसके बाद फिर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे फिर आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे चैलेंज करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान आप ऑब्जर्व करेंगे और उसके नतीजे के अंदर आप कुछ कंक्लूजन ड्रा करेंगे यू विल कम्यूनिकेट यू विल रिपोर्ट दोज कंक्लूजनस और रिजल्ट एंड ट दो ताकि वो भी उसके ऊपर मजीद काम करके आ, कोई थ्यूरी बना सके अगर आपका हाइपोथ रिजेक्ट हो जाएगा आपका साइकिल नया स्टार्ट हो जाएगा इन सारी चीजों को अभी तक हमने जो बातें की बहुत थ्रेटिकल थी इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं एक बच्चे की जिसका मैंने टेंटेटिव नाम रखा है हसन वो क्या करता है वो देखता है के उसकी ग्रैंड मदर या मदर केक बनाती हैं और वो देखता है कि केक जब बन रहा था तो उसका साइज छोटा था जब चीज़ें डालते हैं एक अमेजा बनाते हैं मिक्सचर बनाते हैं और उसको एक सांचे में डालते हैं तो उसका साइज इतना है वो बिल्कुल लेवल्ड है केक जब बन जाता है तो उसका साइज बड़ा है तो वो अपनी मेबी माँ से या दादी से ये पूछता है कि इसका साइज बड़ा क्यों हो गया है ऑब्जर्वेशन क्यूरियस ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो देख रहा है कि पहले साइज कम था जब वो चीज़ बनकर निकलती है अवन से तो उसका साइज बड़ा हो जाता है दैट इज क्यूरियस ऑब्जर्वेशन उसका सवाल है उसने उसी ऑब्जर्वेशन को सवाल की सूर, सूरत में कहा कि इस केक का साइज बड़ा क्यों हो जाता है हमने तो सुना है के जो मैटर होता है ये अपना इट डज़ नॉट लूज इट्स मैस तो फिर इसका साइज बड़ा क्यों हो जाता है जब उसने ये सवाल किया तो उसकी माँ या दादी ने उसको ये बताया कि एक्चुअली जब इसके अंदर हम डालते हैं बेकिंग पाउडर डालते हैं अगर बेकिंग पाउडर डालें तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है विच इज़ अ गैस एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज साइज ऑफ केक और या अगर हम इसमें अगर बेकिंग पाउडर नहीं डाल रहे सो वी मे एड यीस्ट इन दैट और यीस्ट की वजह से भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अ रिजल्ट साइज ऑफ द केक ग्रोज अगला सवाल वो बच्चा ये करता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने उसमें यीस्ट डाल ली है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रही है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में होता क्या है तो उसकी दादी उसको कहती है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर जितनी भी मैदे के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं शुगर है और इसके अलावा वो कन्वर्ट होती है शुगर के अंदर और जो हम चीनी डालते हैं दैट इज डायरेक्ट शुगर वो चीनी जो है यीस्ट खा लेती है एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड सो वट हैपन्स हसन वंडर्स इफ़ द अमाउंट ऑफ शुगर यूज इन द रेसिपी विल अफेक्ट द साइज ऑफ द केक इसके बाद क्या करता है हसन हसन रिसर्च द एरियाज ऑफ बेकिंग एंड फर्मेंटेशन एंड ट्राइज टू कम अप विद अ वे टू टेस्ट हिज क्वेश्चन सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया सवाल उठाया और उसके बाद उसने क्या किया कि मे बी uh, किताबें देखी रिसाले देखे जिसके अंदर बात की गई थी बेकिंग की और साथ साथ में फर्मेंटेशन की ताकि उसको पता चले कि एग्जैक्टली exactly क्या होता है उसके बाद हसन ने क्या किया कि वो जो करता था कोई रिसाला पढ़ रहा है या कोई किताब पढ़ रहा है उसने वो सारी की सारी एक अपने लॉग बनाया एक जर्नल बनाया उसके अंदर एंट्रीज करता चला गया देन ही स्पोक टू हिज टीचर उसके अपनी टीचर से बात की कि मैं ये कर रहा हूँ और आई वॉन्ट टू गेट आंसर ऑफ दिस थिंग हिज टीचर हेल्प हिम टू डिजाइन अ डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जिसकी शक्ल कुछ ऐसी थी कि बच्चा क्या करने जा रहा है उसके ऊपर उसने लिखा टाइटल द इफेक्ट ऑफ शुगर ऑन द साइज ऑफ केक उसकी इन्वेस्टिगेशन का टाइटल है द इफेक्ट ऑफ शुगर ऑन द साइज ऑफ केक हाइपोथिस उसने बनाया इफ शुगर इज़ इंक्रीज देन साइज ऑफ़ द केक विल इंक्रीज इसके बाद उसने ऑब्जर्वेशन uh, अपनी रिकॉर्ड करनी है कि इतनी क्वांटिटी शुगर के ऊपर कितना साइज है सेकेंड क्वांटिटी के ऊपर कितना साइज़ है थर्ड क्वांटिटी के ऊपर कितना साइज़ है सो so अभी तक जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं केस ले रहे हैं हसन का उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि उसकी माँ या दादी जब केक बनाती हैं तो उसका साइज वो नहीं होता जो कि ओरिजिनल था बल्कि उससे बड़ा होता है उसने सवाल किया कि साइज बड़ा क्यों होता है तो आ, बेकर ने उसको जवाब ये दिया कि इसके अंदर जो हम यीस्ट डालते हैं वो शुगर खाती है एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज क्योंकि वो एयर है सॉरी uh, गैस uh, है उसकी वजह से साइज जो है उसका बड़ा हो जाता है फिर उसने उसके ऊपर किताबें पढ़ी इंटरनेट से मटेरियल लिया देन ही डिस्कस दैट विद हिज टीचर टीचर ने उसको कहा कि तुम जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इसकी एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बना लो उसके अंदर लिखो कि तुम कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसका एक हाइपोथेसिस लिखो और देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन तो हसन यही सब कुछ करता है हाइपोथेसिस उसने बना लिया कि अगर हम अमाउंट ज्यादा कर देंगे शुगर की तो साइज जो है वो ज्यादा हो जाएगा उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बाद में स्टार्ट होंगी लेकिन उससे पहले उसने ये अपना सारा का सारा काम जो है मुकम्मल कर लिया है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये कि हाइपोथिस एन एजुकेटेड गैस इट इज नॉट गैस रादर एन एजुकेटेड गैस एजुकेटेड गैस किस को कहते हैं एजुकेटेड गैस का मतलब ये है कि आप जो गैस बना रहे हैं जो गैस कर रहे हैं उसके पीछे आपकी रीडिंग इन्वॉल्व है आपने एक्सपर्ट से बात की है तो इसने भी हसन ने भी जो अपना एजुकेटेड गेस्ट बनाया कि इफ शुगर इज इंक्रीज़ देन साइज ऑफ केक विल इंक्रीज इसके पीछे उसकी रीडिंग भी इन्वॉल्व है और उसकी अपनी टीचर के साथ बातचीत भी इन्वॉल्व है और साथ साथ में उसके जो uh, अपने माँ या uh, किसी और के साथ जो बातचीत की है वो भी इन्वॉल्व है सो इट इज ले मैं गैस इट इज एन एजुकेटेड गैस इसके अंदर दो चीजें आपने देखी जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के रिकॉर्ड के अंदर लिखना था वेरिएबल्स तो क्या होते हैं राधर यू कैन नॉट अप्लाई साइंटिफिक मैथड इफ देर इज नो वेरिएबल वेरिएबल्स वो चीजें जो के चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंट वो चीजें जो की चेंज नहीं होती फॉर एग्जाम्पल अब अगर हसन जो है शुगर की क्वांटिटी चेंज करने जा रहा है तो वो एक वेरिएबल है क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है वो मुस्तकिल नहीं है इसी तरीके से जो केक का साइज है वो भी वेरिएबल होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा अलबत्ता ओवन या आप प्रेशर कुकर जिसमें भी वो केक बन रहा है दैट वुड बी कांस्टेंट टेम्परेचर वुड बी कांस्टेंट बाकी की सारी चीजें ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स विल रिमेन कांस्टेंट तो आप जब भी साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करें यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर डिफरेंट वेरिएबल्स सो अब देखते हैं कि हसन ने अपनी ऑब्जर्वेशन को कैसे रिकॉर्ड किया आपको एक टेबल नजर आ रहा है इस टेबल के अंदर आप देखें कि देर इज सम अमाउंट ऑफ शुगर पहले 25 फाइव ग्राम्स है सेकेंड टाइम उसने 50 ग्राम्स शुगर एड की थर्ड टाइम 100 ग्राम्स फोर्थ टाइम 250 फिफ्टी ग्राम्स एंड फिफ्थ टाइम 500 हंड्रेड ग्राम्स आगे आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रायल्स हैं वन टू थ्री फर्स्ट ट्रायल के अंदर जो साइज था केक का दैट वॉज 768 सेंटीमीटर क्यूब्स सेकेंड टाइम इट वॉज 744, हंड्रेड फोर्टी फोर थर्ड टाइम इट वॉज से हंड्रेड फिफ्टी एट सेंटीमीटर क्यूब अच्छा इसमें आपने ये देख रहे होंगे कि ट्रायल्स लिखे हुए हैं कि तीन दफा 25 ग्राम की शुगर के साथ तीन दफा ट्राई किया गया तीन दफा ट्राई किया गया एक दफा नहीं किया गया उसकी क्या वजह है जब भी हम साइंटिफिक मेथड अप्लाई करें वी नीड टू कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट एट फॉर टाइम्स, ताकि हमें कोई कंसिस्टेंसी नजर आए कोई पैटर्न नजर आए क्योंकि जब आप ट्राई कर रहे होते हैं तो मे भी एक दफा में कोई काफी सारी चीजें गलत हो सकती हैं, बाय मिस्टेक कुछ हो सकता है तो अगर आपको तीन ट्राए आप लेते हैं थ्री ट्रायल्स के अंदर आपको एक पैटर्न नज़र आता है कंसिस्टेंसी नज़र आती है तो आप समझते हैं कि हाँ मैं जो ऑब्ज़रवेशंस ले रही हूँ या ले रहा हूँ दे आर एक्यूरेट नॉट एक्यूरेट में भी दे आर प्रिसाइज और उसके प्रिसाइज uh, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं जो रीडिंग्स हैं उसकी बेस के ऊपर इंफ्रेंसिस ड्रा करने ज़्यादा आसान हैं और ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे इसी तरह से आप दूसरे में देखें कि जब 50 ग्राम शुगर ली गई तो साइज जो था केक का इट वॉज वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्रायल इट वॉज इलेवन एट इन द्रायल इट वॉज टेड नाइन्टी सिक्स इन थर्ड ट्रायल एंड एवरेज साइज वॉज 1,260. एंड जब हंड्रेड ग्राम शुगर ली गई विच वॉज एक्चुअली डबल देन फिफ्टी ग्राम वट है The size of cake was 1188 in the first trial, it was 1080 in the second trial, it was 1080 in the third trial, and overall average size was uh, 1116 centimeter cube. Jip 250 ligay, to size actually decreased, and on 500 gram sugar, it was too much reduced, it was much reduced than 25 grams sugar. जिनकी 25 ट्वेंटी फाइव ग्राम जब शुगर ली थी तो उस वक्त साइज जो था एवरेज साइज वह सेवन हंड्रेड फिफ्टी एट सेंटीमीटर क्यूब और अब जो है एवरेज साइज हो गया फोर हंड्रेड थर्टी टू सेंटीमीटर क्यूब सो इट एज मच डिक्रीज अब क्या हुआ जब हसन ने ये सारी की सारी अपने रिकॉर्ड किया ही एग्जामिन डेटा एट

तो साइज जो था वो इंक्रीज़ नहीं हुआ बल्कि थोड़ा डिक्रीज़ हो गया इससे क्या हुआ एक्चुअली उसका जो पहला हाइपोथेसिस था कि अगर हम शुगर इंक्रीज करेंगे तो साथ ही में साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा ये रिजेक्ट हो गया अब उसने एक नया हाइपोथेसिस बनाया कि प्रॉबेबली रीटेस्ट जो है उस अपने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर शुगर का शुगर की अमाउंट का रीटेस्ट करे और उसने ये सोचा कि प्रॉबेबली द अमाउंट विच एक्चुअली द साइज ऑफ केक इज़ बिटवीन 50 एंड 100 ओके okay? 50 एंड 100 के साथ अगर उसने एक्सपेरिमेंट किया तो अब देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं 50 के साथ उसने स्टार्ट किया बाय द वे 50 ग्राम वो अमाउंट है जो उसके घर में केक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उसने उसके हाफ करके भी देखा उसने देखा कि एग्जैक्ट डबल बना उसका केक का साइज एग्जैक्ट डबल था लेकिन जब उसने उसका भी डबल किया तो उसने देखा कि एक्चुअली डिडंट वर्क अब दोबारा से देखते हैं कि उसने जो 50 ग्राम रूटीन के अंदर जो था उसने किया again it was 1296 in first trial second trial 1440 third trial 1296 average 1344 jabushni 60 key amount to 60 grams kisath size or increase hokia average size is 1380 Jab 70 amount key again size increased and it went up to 16, 1612 इसके बाद साइज फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया तो हसन का जो फाइनल था कंक्लूजन उसने निकाला वो ये था कि एक्चुअली हाइपोथेसिस जिसके अंदर उसने कहा कि अमाउंट वेरी करें अगर 50 से लेकर 100 के दरमियान देन साइज इंक्रीज़ेस इट इज़ नॉट फुली एक्सेप्टेड अलबत्तः उसका जो कंक्लूजन उसने ड्रा किया वो ये कि इफ द अमाउंट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड

कैसे अप्लाई किया जाता है यू कैन थिंक ऑफ काउंटलेस टॉपिक्स टू इंक्लूड इन योर लेसेंस डोंट थिंक दैट यू कैन अप्लाई साइंटिफिक मैथड ओनली इन साइंस क्लासेस यू कैन अप्लाई इट इन सोशल साइंस क्लासेस टू सो साइंटिफिक मैथड नीड्स टू बी अप्लाइड इन क्लासेस बिकॉज इट इन्वॉल्वस थिंकिंग स्किल्स इट इन्वॉल्व एटीट्यूड ऑल्सो सो so, हम लोगों ने डिफरेंट मैथड्स के ऊपर बात की और उसके अंदर हमने साइंटिफिक मैथड को भी डिस्कस किया एंड वी विल ट्राई टू यूज़ इट वेन एवर इट इज पॉसिबल बिकॉज इट हैज इट हैज डाइवर्स बेनिफिट्स एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स थिंकिंग स्किल्स आर इन्हांस्ड इफ वी अप्लाई दिस मैथड फ्रीकुंटली इन आवर क्लासेस सो थैंक यू वेरी मच वी विल see few other things in our next session khuda hafiz.